Namaste to all the students. I, Jeevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FM. So today we discuss on our topic that is PaaS, that is Platform as a Services. Okay. तो इससे पहले अर्लियर भी हम लोगों ने क्या है डिस्कस किया है किस चीज़ को कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड से रिलेटेड सर्विस कौन सी है, कौन तरह की किस तरह की सर्विसेज जो है क्लाउड प्रोवाइड करता है, हमें उससे किस तरह से बेनिफिट मिलता है. लाइक अर्लियर सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द SaaS एंड PaaS. नाउ वी जस्ट डिस्कस दैट इज PaaS. सो PaaS इज कंबाइनली नोन एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. ठीक है ना. व्हाट डज इट मीन? इट डज डू It provides you the complete development environment and adding those to development plus deployment environment for your applications to run. Okay? तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ये नहीं बोल सकते हमें कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है, हम ना हम ये देख रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, सॉफ्ट हार्डवेयर कोई हमें चाहिए कि नहीं. ऑल तो कुछ तो चीज़ें यूज होती है, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या चल रहा है, जैसे आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन बनाई तो उस एप्लीकेशन को क्या है रन करने के लिए या रन करने के लिए या बनाने के लिए भी जो इन्वायरमेंट चाहिए था. ठीक है, मतलब किसी एप्लीकेशन को मैं डेवलप कर रही हूँ तो मैं डेवलप किस पे कर रही हूँ भाई, मैं किस पे डेवलप करूँ? मैं नोटपैड पे लिख लिया अगर मैंने कोई प्रोग्राम, लेकिन मेरे पास जावा को रन करवाने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैं किस तरह से डेवलप करूँ पहली बात तो. दूसरा, फिर डिप्लॉयमेंट किस तरह से करूँ? अब मैंने बना लिया है प्रोग्राम, पहली बात तो मैं किस पे बनाऊँ, बना लिया है प्रोग्राम तो फिर मैं रन कैसे करूँ, है ना? तो या फिर मैंने रन कर लिया लेकिन फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह मैं इसको किस तरह से क्या ट्रांसफर करूँ? तो यही हम लोगों का PaaS जो है प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं प्लस उसको डिप्लॉय कैसे करना है. ठीक है, तो उसको डिप्लॉय करने के लिए भी एक जो इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? PaaS प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये बेसिक आई थिंक डिफरेंस है तीनों में, जो आपको समझ में आ गया होगा कि SaaS PaaS SaaS क्या है. SaaS तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज है मेरे पूरी करता है. PaaS क्या करता है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए प्लस डिप्लॉय करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाता है कि हम आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आप हमारे यहीं पर डेवलप कर लो. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो हार्डवेयर जैसी चीज़ें हैं जिन पर कॉस्टिंग लगती है, जैसे सर्वर हो गया, मेमोरी हो गया, तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? PaaS प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो आई थिंक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट. इट प्रोवाइड्स यू द कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट और एंड यू कैन परचेज दिस रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एज पे एज यू गो बेसिस. ठीक है, मतलब जैसा आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग पे कर दो. ये तो हर तीनों में ही जो अवेलेबिलिटी है कि आपको जिस अकॉर्डिंग जब जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग पे कर दो. ठीक है, और उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर लो रिमोटली, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से. ठीक है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे नहीं, लेकिन ये और क्या इन्वॉल्व करता है? ये इन्वॉल्व करता है जिसको आपका मिडलवेयर हो गया या कोई आपका डेवलपमेंट टूल हो गया या बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सर्विस हो गई या डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया. इस तरह की चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? PaaS. और क्या है? PaaS इज डिजाइन टू सपोर्ट द कम्प्लीट वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल. मतलब पूरा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या है, लाइक बिल्डिंग करना, टेस्ट करना, उसको डिप्लॉय करना, उसको फिर मैनेज करना, उसको अपडेट करना, ये सब इसमें आ रही है, आपकी PaaS में आ रही है. ठीक है, अब नाउ देखो और क्या है हम लोग बोल सकते हैं. PaaS allows you टू एक्सपेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग मैनेजिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. ठीक है, मतलब ये आपने एक बार जो आपको काम करना आप उसकी बात करो, उसके सिवा अगर आपको कोई भी चीज़ की हेडक हो रही है कि आपको कैसे एक्सपेंस है, वो सॉफ्टवेयर किस तरह से बन रहा है, उसका एक्सपेंस क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, तो आपको क्या है इस चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? सिंपल डेवलपमेंट टूल्स और कुछ अदर रिसोर्सेज जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो यू कैन मैनेज द एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज services you deploy for the cloud service provider typically manage everything else. मतलब आप क्या कर सकते हो, वो applications और वो services जो आप develop कर रहे हो, deploy कर रहे हो, वो चीज़ को क्या आप आराम से manage कर सकते हो कहीं से भी कभी भी, बस बशर्ते एक internet का आपके पास connection जो है होना चाहिए. ठीक है, अब देखो common PaaS scenarios जिसमें हम बात करें कि भी कहाँ कहाँ use हो रहा है. तो देखो पहला हम लोगों के पास आ रहा है कि development framework. ठीक है, तो ये तो है ही, डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने के लिए आपने बना दिया, तो उसके लिए मुझे क्या फ्रेमवर्क चाहिए, क्या बेसिक और चीज़ें चाहिए, वो फ्रेमवर्क क्या है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है? आपका PaaS प्रोवाइड करवा रहा है.
So it provides you the framework that developers can build upon to develop or customize cloud-based application ताकि आप develop कर सके, है ना, customize करके सके, अगर आपके पास जो चीज़ें हैं तो उससे related जो आपको चीज़ें चाहिए वो देख सके कि कौन सी cloud-based application, उन चीज़ों को आप develop कर सकते हैं और customize कर सकते हैं अपने according, ठीक है। अब analytics and business intelligence, मतलब वहाँ पे analytics में कहाँ काम आ रहा है, ये provide करता है services with पास अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज एंड माइंड देयर डाटा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है जितने बड़े लेवल पे काम आती है वहाँ पे क्या है डाटा बहुत सारा हो जाता है, तो चाहे डाटा की माइनिंग करनी हो, है ना, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी हो, कुछ पैटर्न प्रोसीडिंग कुछ पता लगाना हो, या कुछ आपको और भी इम्प्रूवमेंट करना हो कि आप फॉरकास्टिंग करें किस चीज़ की, उस चीज़ के बारे में बात करनी हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात हो, या को और अदर बिजनेस डिसीजन है वो लेने में हेल्प करता है, ठीक है ना, बिजनेस पर्पस व्यू से, ठीक है। और भी एडिशनल सर्विसेज हैं, जैसे कोई वर्क फ्लो डिसाइड करना हो, है ना, आपकी डायरेक्टरी, आपकी सिक्योरिटी और स्केड्यूलिंग वगैरह करनी है, वो सब डिसाइड करता है। तो पास में क्या क्या आ गया आपका, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को मैंने, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम बना लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन रन टाइम बताना, या कोई डाटाबेस के बारे में बात करना, या वेब सर्वर के बारे में बात करना, कोई डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बात करना, ये सब इसमें आ गया आपका पास में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस ऑफ पास क्या है, कहाँ कहाँ आ सकते हैं। पहली बात तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे मिडलवेयर प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट टूल्स एंड अदर बिजनेस टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, और क्या क्या है, कट कोड रन टाइम, मतलब पहली बात तो ये कि आपको हर चीज़ जो आप बना रहे हो अगर वो बेसिक उसका कोड आपके पास है तो कोई ज़रूर नहीं आपको उस पर्टिकुलर, हमेशा शुरुआत से ही शुरू करो, ठीक है ना, उसका बेसिक कोड आपके पास अवेलेबल है, जहाँ आपको स्पेशल चाहिए वहाँ आप आराम से अपना काम कर सकते हो। तो वो जो कोडिंग के लिए जो टाइम लगता था, वो पहले वाला टाइम जो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करते हो, वो पहले ऑलरेडी कोडिंग है, प्रेजेंट है, तो आपका वहाँ से टाइम जो है उस जगह टाइम करना, उस जगह टाइम जब आप देते हो तो वो कट हो जाता है, ठीक है ना। तो पास डेवलपमेंट टूल्स कैन कट द टाइम इट टेक्स टू कोड न्यू एप्लीकेशन विथ प्री कोडेड एप्लीकेशन कम्पोनेंट्स बिल्ट इन टू द प्लेटफॉर्म। तो कुछ पहले से एप्लीकेशन से जो डेवलप हो चुकी है उसके लिए तो क्या है, आप कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम क्या है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ आपको स्पेशल डेवलपमेंट करना, अलग से कोई काम करना, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का एड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज विथ और विदाउट एडिंग स्टाफ, मतलब जाहिर सी बात है आपको इतना सब काम मिल रहा है तो आप चाहे डेवलपमेंट टूल आपको मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको स्टाफ जो है एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्या है जो आपकी जो आपका काम करा रहे हो उसके पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट स्किल्स अगर आपके पास है तो आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब यस इसके अंदर क्या है, इट प्रोवाइड्स यू डेवलपमेंट ऑप्शन फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज, ये अलग अलग चीज़ों के लिए काम कराता है, जैसे मोबाइल के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर के लिए, और कुछ ब्राउजर्स के लिए, या फिर कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाना है ना, उन चीज़ को इजीली और आसानी से आप हैंडल कर सकें, इस तरह के एनवायरनमेंट भी आपको प्रोवाइड करवाता है। और यूज सोफिस्टिकेटेड टूल्स अफोर्डेबली, आप कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ आपको टूल्स चाहिए तो वो भी आपको आराम से प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन टू यूज सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स दैट टूल्स टूल्स दैट दे कैन कुड नॉट एफोर्ड परचेज आउटराइट, ठीक है। तो मतलब आपको स्पेशली ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें आप परचेज कर लो, है ना, उस चीज़ के आप अफोर्डेबली जो है पे कर सकते हो, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उसके मैनेजिंग वगैरह पे, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट टीम्स, मतलब आपके जो डेवलपमेंट टीम्स हैं कहीं पे भी बैठी हो, एक जगह यहाँ, कहीं पे भी रिमोटली बैठे हो, बस नेट से एक्सेस करो और अपना काम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंटली मैनेज द लाइफ एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, तो पास प्रोवाइड्स ऑल द कैपेबिलिटीज दैट यू नीड टू सपोर्ट द कंप्लीट वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मैनेजिंग एंड अपडेटिंग विद इन द सेम इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट। तो अगर आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो वहाँ सारी जो चीज़ें आती है ना वो सब आपको ही प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सो आई होप यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय पास, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस वो है ना, एंड वेयर डज इट यूज, ठीक है, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू यू।
So I think I hope you have cleared all the doubts, and if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you for listening to me. Thank you for being here with me. Thank you.